man. Du Hans. Okay. Hi, Mr. Gamel. ज़ू में किड्स एरिया भी है, ये देखिए बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। वैसे तो ज़ू में बच्चे वैसे भी बोर नहीं होते हैं, लेकिन इस तरह का यू नो रेस्टिंग एरिया जब थोड़ा थक जाते हैं तो यहाँ पे लोग बैठते हैं बेंचेस पे और बच्चे खेलते हैं। क्वाइट गुड। फिर यहाँ से हम और आगे की तरफ चलते हैं। ऑल राइट, सो ये होटल है सफारी लॉज नाम से। यहाँ ब्रंच वगैरह के लिए लोग बैठते हैं, सफारी ब्रंच। ये बैंड प्ले कर रहा है। And this calls for a break to eat and drink, relax for a bit. These flamingos are so nice. I cannot have enough of them. फिर से हम लोग इस एरिया में आए हैं और शूट कर रहे हैं हमारे प्यारे फ्लैमिंगोस को। ये देखिए कितने खूबसूरत लैंडस्केप्स बनाए हैं इन्होंने प्लांट्स से। जो भी कुछ स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये स्नेल, ये सारा फ्लावर्स से बना हुआ है। ये इट्स अनदर प्ले एरिया। यहाँ पे हम लोग बहुत खेले, बहुत खेले, बहुत मज़ा किया। अगेन कितनी खूबसूरत है। आई डोंट नो, वैसे कैबेज जैसा लुक है इसमें। कहीं लिखा है, हाँ लिखा है ऑर्नामेंटल अनियन पर्पल लिखा है, तो ये अनियंस के हैं। Smile. Okay guys, we are done with long day trip in Calgary Zoo. घर चलते हैं अभी, बहुत थकान हो गई है। 6 hours we spent here and it was fabulous. मैं highly recommend करूँगी इस place को, एक tourist attraction जो यहाँ Calgary का है। जो भी लोग कैलगरी आए वो इस ज़ू में ज़रूर आए। यू विल बी वेरी हैप्पी आई स्वेयर। नमस्ते।